डिस्क्लेमर, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए जो स्ट्रेटजी लेके आए हैं वह हमारी ऑन डिमांड स्ट्रेटजी है। यह किसी व्यूअर ने हमसे शेयर की है। तो दोस्तों, हमने स्ट्रेटजी किसी व्यूअर के कहने पे बनाई है और यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है आइए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी का नाम है डे हाई या लो ब्रेक विद सुपर ट्रेंड। अगर हमारे पिछले दिन का डे हाई और पिछले दिन का लो ब्रेक करता है तब यह स्ट्रेटजी काम करती है। तो यह स्ट्रेटजी एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है और प्योरली बेस्ट होती है डे हाई और डे लो के कटने पे। मतलब अगर डे हाई करता है तो ब्रेकआउट आएगा और डे लो करता है तो ब्रेक डाउन आएगा। उसी हिसाब से हम अपनी ट्रेड बनाएंगे। इसके अंदर हमें दो इंडिकेटर्स का यूज करना होता है। पहला हमारा सुपर ट्रेंड है, उसकी वैल्यू हमने रखी है ATR इज इक्वल टू 10 और फैक्टर हमारा 2 रहेगा। इसके अलावा हमारा दूसरा इंडिकेटर रहेगा RSI, उसकी वैल्यू हमने रखी है अपर लेवल 85 का, लोअर लेवल 45 का। अगर हमें इन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने इंडिकेटर पे कोई सिग्नल मिलता है तभी हम बाइंग या सेलिंग बनाएंगे। तो दोस्तों, बारी आती है बाई कंडीशन और सेलिंग कंडीशन की। तो सबसे पहले देखते हैं बाइंग कंडीशन। बाई कंडीशन के अंदर हमें कब बाई करना होता है और कब उसके अंदर एग्जिट मिलेगा। तो दोस्तों, जब भी कोई कैंडल क्लोज करती है पिछले दिन के डे हाई के ऊपर और साथ में अगर वह कैंडल सुपर ट्रेंड के ग्रीन जोन में है तब हमें वहां पे बाई सिग्नल जनरेट होगा, बशर्ते वहां पे RSI की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 85 होनी चाहिए। मतलब अगर RSI हमारा 85 से अबव है और डे हाई भी ब्रेक हो चुका है और सुपर ट्रेंड का ग्रीन जोन चल रहा है तब हमें वहां पे बाइंग सिग्नल मिलेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमें बाइंग मिलता है तो एग्जिट कहां पे होगा? एग्जिट हमारा होगा जब भी सुपर ट्रेंड के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है, हमें उस ट्रेड से एग्जिट मिल जाएगा। अब बारी आती है सेलिंग कंडीशन की। सेल हमें कहां मिलेगा? जब भी कोई कैंडल पिछले दिन के डे लो के नीचे क्लोज कर देती है उसके साथ देखा जाएगा कि हमारा जो सुपर ट्रेंड है रेड जोन में आ चुका है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पे RSI की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 45 होनी चाहिए। अगर हमारी 45 के नीचे की RSI की वैल्यू है तब हमें वह ट्रेड सेल में मिलेगी। अब बारी आती है इसके अंदर एग्जिट की। एग्जिट हमें कहां मिलेगा? एग्जिट दोस्तों हमें मिलता है जब सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन हो जाता है। जब सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाता है और उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देती है हम एग्जिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह हुई स्ट्रेटजी की बात। अब सीधा आपको बैक टेस्टिंग करवा देते हैं। यह स्ट्रेटजी काम करती है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट पे। हम आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ले आए हैं। यहां पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया है तो हम यहां पे स्ट्रेटजी लगा देते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने कोडिंग की है। कोडिंग के अंदर RSI और सुपर ट्रेंड दोनों इंक्लूड किए गए हैं। जब भी RSI की वैल्यू 85 से अबव होती है हमें बाइंग सिग्नल मिलता है और जब भी RSI की वैल्यू 45 के नीचे होती है तब हमें सेलिंग सिग्नल मिलता है अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो। तो अब शुरुआत करते हैं हमारी बैक टेस्टिंग की। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो निफ्टी 50 पे 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है क्योंकि यह स्ट्रेटजी 5 मिनट चार्ट पे काम करती है। इसके अलावा हमें इसकी सेटिंग्स में जाना है। निफ्टी 50 के लिए हमने ऑर्डर साइज 50 का रखा है और कमीशन हमने 0.01 का रखा है। आप जानते हैं कि ऑप्शन के अंदर 0.01 का कमीशन हमने रखा है जो कि ऑलमोस्ट डबल होता है हमारी इंट्राडे ब्रोकरेज से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे डेली चार्जेस इसमें 50 रुपए पर ट्रेड का लगता है बाइंग सेलिंग के अंदर, लेकिन यहां पे हमने अराउंड 80 to 85 रुपीज यहां पे कमीशन रखा है जो कि 0.01 बनता है। तो दोस्तों, इस सेटिंग के साथ हम आपको यहां पे बैक टेस्टिंग करवा रहे हैं। इसके बाद आपको सीधा यहां पे स्टेडी टेस्टर में आना है। स्टेडी टेस्टर में जैसे ही आप आते हैं यहां पे ओवरव्यू के अंदर आपको दिखाई देता है हमारा नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट हमारा 43,120 का रहेगा। परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की रहेगी 48.65। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें पिछले 3 महीने का डाटा बैक टेस्ट करके दिखाया गया है। पिछले 3 महीने के अंदर हमें 37 ट्रेड मिली है, इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस इस कॉलम में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हमें 3,640 रुपए का यहाँ पे लास्ट जो ट्रेड मिला है उसके अंदर हमें लॉस हुआ है। यह ट्रेड हमें मिली है 31 तारीख को और एग्जिट भी 31 तारीख को हो चुका है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर इसने एग्जिट दे दिया है, मतलब इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। उससे पहले वाले ट्रेड के अंदर 7581 रुपए प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले हमारा लॉस इतना था, प्रॉफिट हमारा इतना था। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। इसके अलावा हम आते हैं परफॉर्मेंस समरी पे। परफॉर्मेंस समरी के अंदर आप देख लीजिए, लॉन्ग की ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है 25,609 रुपए का, शॉर्ट की ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ है 17,511 रुपए का, जो ओवरऑल प्रॉफिट है। अब बारी आती है मैक्सिमम ड्रॉडाउन की। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसके अंदर रहेगा 13,382 रुपए का, और इसके अंदर अगर बात करें कमीशन पेड की, हमारा कितना कमीशन इसके अंदर, मतलब कितने चार्जेस हमारे इसके अंदर लगे हैं, तो 7,604 रुपए हमारे इसके अंदर जो टोटल चार्जेस लगे हैं। इसके अंदर से 1,430 रुपए हमें बाइंग की ट्रेड के अंदर और 6,173 रुपए हमें सेलिंग की ट्रेड के अंदर चार्जेस लगा है। एवरेज ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आया इतना, एवरेज विनिंग ट्रेड के अंदर हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वह इतना रहेगा, एवरेज लूजिंग ट्रेड के अंदर हमारा जो लगा है 2,056 रुपए है, और सबसे बड़ा ट्रेड जो विनिंग का ट्रेड है वह हमें 15,768 रुपए प्रॉफिट दे चुका है। तो दोस्तों यह हुई स्ट्रेटजी की बात। अब इसके अंदर मैं आपको बैक टेस्ट करवा देता हूं थोड़ा सा चार्ट पे। यहां पे देखिए, जैसे ही कैंडल ने सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग दी है, और ये देखिए ये आपका रेड कलर द्वारा दिखाया गया है आपका डे लो, यह हमारा डे हाई है पिछले दिन का, ये हमारा डे लो रहेगा पिछले दिन का। अगर डे लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है कोई कैंडल और सुपर ट्रेंड के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तब हमें देखना होगा कि आरएसआई हमारा 45 से नीचे है या नहीं। अगर आरएसआई भी हमें 45 से नीचे की कंडीशन में यहां पे दिखाई देता है, तब हमें वहां पे सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। यहां पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिल चुकी है, हमारा यहां पे स्टॉप लॉस हुआ है। यहां पे आप स्टॉप लॉस देख लीजिए, मैं आपको यहां पे शॉर्ट की पोजीशन बना के दिखा देता हूं हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। हमारे यहां पे स्टॉप लॉस हुआ है 67 पॉइंट्स का दोस्तों, यहां पे हमें स्टॉप लॉस हुआ है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है दोस्तों। इसके बाद बारी आती है हमारी एक और ट्रेड की, जो कि हमें यहां पे लॉन्ग की ट्रेड मिली है। यहां पे देखिए, यह पिछले दिन का डे हाई है, यह पिछले दिन का डे लो है। डे हाई के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करती है, हम देखेंगे कि सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन जोन के अंदर है या नहीं। तो हमारा सुपर ट्रेंड भी ग्रीन जोन के अंदर है। इसके साथ साथ एक कंडीशन और चेक की जाएगी कि हमारा आरएसआई जो है वह 85 के ऊपर का होना चाहिए। अगर इसके अंदर आरएसआई की वैल्यू 85 से अबव होती है, तब हमें बाइंग सिग्नल जनरेट होगा। हमें यहां पे बाइंग सिग्नल जनरेट हो चुका है। यहां पे अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो हमें टारगेट मिलता है यहां तक का, हमें यहां का टारगेट मिल चुका है, यहां पे हमें इसका टारगेट मिल चुका है। हमारा इसके अंदर टारगेट निकल के आया है 156 पॉइंट्स का, फिर 156 पॉइंट का हमें टारगेट मिल चुका है। इसके बाद बारी आती है एक और ट्रेड की, यहां पे हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है। इससे पहले हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी, यहां पे हमें अगर शॉर्ट एंट्री बनाते हैं, हमें प्रॉफिट होता है, हमें यहां पे प्रॉफिट हुआ है 318 रुपए का, मतलब इसके अंदर टारगेट निकल के आया है 318 पॉइंट्स का। इसके अलावा एक दो ट्रेड और देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिली है और यहां पे हमें एग्जिट मिला है। तो दोस्तों यहां पे हमें एग्जिट प्रोवाइड किया गया है इस कैंडल द्वारा। जैसे ही क्लोजिंग आती है हमारी सुपर ट्रेंड के अबव, हमें सेलिंग से एग्जिट मिल जाता है, या फिर इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें एग्जिट मिलता है 3:25 पे। अगर
पूरे दिन हमें टारगेट नहीं मिलता तो 3:25 पे हमें एग्जिट मिल जाता है। इसके अंदर हमें बहुत ही छोटा सा टारगेट देखने को मिला है। आप देखिए जहां पे हमने ट्रेड बनाई थी ऑलमोस्ट वहां पे इसने एग्जिट भी करवा दिया है। मतलब इसके अंदर हमारा जो टारगेट या कैन स्टॉप लॉस हमारा बराबर का है, मतलब इसके अंदर जितना भी हमारा लगा है वह हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज लगा है। इसके अंदर हमें फिर से छोटा सा टारगेट मिला है 5 से 10 पॉइंट्स का। यहां पे हमें बहुत बड़ी ट्रेड देखने को मिल चुकी है। यहां पे बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन अगर हम यहां बना देते हैं, शॉर्ट पोजीशन हम अगर बनाते हैं तो हमें यहां पे टारगेट मिला है 276 पॉइंट्स का। 276 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों ये कुछ ट्रेड्स हमने यहां पे बना के देखी है निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर भी आपको बता देता हूं क्या स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगा चुके हैं और 5 मिनट चार्ट पे ही स्ट्रेटजी काम करती है। तो इसके अंदर भी 3 महीने का बैक टेस्टिंग आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर हमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। सेटिंग्स में हम जाएंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर हमें लॉट साइज 15 कर देना है। जैसे लॉट साइज 15 करते हैं स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर ओवरव्यू में आते हैं। इसके अंदर आपको पिछले 3 महीने का जो नेट प्रॉफिट दिखाया गया है वह है 9,066 रुपए का। तो यहां पे हमारा जो 3 महीने के अंदर प्रॉफिट हुआ है 9,066 रुपए है। लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर आपको 39 ट्रेड्स मिली हैं और यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर इसका प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा सा कम है निफ्टी 50 के मुकाबले। यहां पे 38.46 का यहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती है। लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर हम देखें तो यहां पे हमें कुछ लॉसेस और कुछ प्रॉफिट यहां पे दिखाई दे रहे हैं। यहां पे लास्ट लॉस हुआ था हमारा 4,684 रुपए का, उससे पहले 157 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले हमें 3-4 स्टॉप लॉस हुए हैं और उससे पहले 10,000 रुपए का एक बड़ा प्रॉफिट भी हुआ है। फिर 2,978 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इस तरीके से इस कॉलम के अंदर हमें जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हुए हैं वह दिखाए गए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस समरी में। परफॉर्मेंस समरी के अंदर आपको यहां पे दिखाया गया है लॉन्ग की ट्रेड के अंदर प्रॉफिट 11,813 रुपए यहां पे लॉन्ग की ट्रेड के अंदर आपको मिले हैं। अगर बात करें शॉर्ट की ट्रेड में ओवरऑल प्रॉफिट की, अगर ब्रोकरेज निकाल के, तो इसके अंदर शॉर्ट की ट्रेड के अंदर हमें ओवरऑल लॉस हुआ है 2,747 रुपए का। अब इसके अंदर हमारा जो टोटल कमीशन हमने पे किया है 5,326 रुपए है। एवरेज विनिंग ट्रेड के अंदर 3,845 रुपए और एवरेज लूजिंग ट्रेड के अंदर 2,025 रुपए हमारे लगे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड है 15,698 रुपए का है, मतलब उसने हमें 15,698 रुपए एक ट्रेड में बना के दिए हैं। तो ये थी दोस्तों स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर थोड़ी बहुत वैल्यूज। अब इसके अंदर हम देखते हैं चार्ट के अंदर भी इसके अंदर कैसे सिग्नल मिले हैं, कैसे इसके अंदर स्टॉप लॉस हुए हैं। ये देखिए पिछले दिन का डे लो है या पिछले दिन का डे हाई है। जैसे ही पिछले दिन का डे लो कटता है और उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है और साथ में देखा जाएगा कि सुपर ट्रेंड का जो रेड जोन है उसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, जो कि यहां पे मिल चुकी है। इसके साथ एक कंडीशन और है जो इसके अंदर एड की गई है, वह है हमारी आरएसआई की कंडीशन। आरएसआई यहां पे 45 से नीचे का है। तो दोस्तों यहां पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिलती है। सेलिंग की ट्रेड जैसे ही मिलती है उसके बाद हम देखेंगे हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन जोन के अंदर आ चुका है। ग्रीन जोन के अंदर आते ही पहली कैंडल की क्लोजिंग पे हम इसमें एग्जिट कर लेते हैं, तो यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। उसके बाद यहां पे हमें बाइंग की ट्रेड मिलती है और साथ ही साथ यहां पे एग्जिट हो जाता है। एग्जिट दोस्तों, एग्जिट के लिए हमें वही कंडीशन देखनी है। यहां पे एग्जिट हमारा होता है जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड जोन के नीचे क्लोजिंग देता है। यहां पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी और यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। यहां पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिली है और यहां पे हमें एग्जिट मिल चुका है। हमें एग्जिट मिलता है दोस्तों जब भी 3 बजे वाली कैंडल क्लोज होती है, हमें एग्जिट मिल जाता है। और एग्जिट मिलता है दोस्तों हमें सेम डे पे। अगर सेम डे के अंदर 2:55 पे कोई भी एग्जिट नहीं मिलता तो एग्जिट प्रोवाइड किया जाता है 2:55 वाली कैंडल पे। इसके अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ है
यहां पे हमें सेलिंग सिग्नल मिला था, यहां पे हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। यहां पे हमें प्रॉफिट हुआ है 678 रुपए का, 678 पॉइंट्स का यहां पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। और यहां पे आप देखिए 2:50 पे इसने एग्जिट करवा दिया है। यहां पे भी सेलिंग की ट्रेड मिली है और छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। यहां पे हमें जो स्टॉप लॉस देखने को मिला है, यहां पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी जो कि बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल चुका है। इसके अंदर हमें 1064 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसके अंदर अगर हम ट्रेड बनाई होती तो हमें जो टारगेट मिला है 1064 पॉइंट्स का है। तो दोस्तों यह थी हमारी डे हाई लो ब्रेक स्ट्रेटजी। इसके अंदर हमने बैक टेस्टिंग की और आपको बताया कि इसके अंदर हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकल के आते हैं, कैसे इसके अंदर हमें एग्जिट मिलता है। तो दोस्तों ऐसी स्ट्रेटजी आप ही अगर बनाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी रहेगा algoguru84@gmail.com, यह हमारा ईमेल आईडी है। आप इस पे हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके भी अपना जो सुझाव है या फिर अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी स्ट्रेटजी बनाने में और उसको निखारने में। तो दोस्तों ट्रेडिंग करते रहिए और हमें सुझाव देते रहिए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।